हेलो एंड वेलकम टू मोडेको आर्ट। हम ये ब्यूटीफुल सी वरमाला प्रिजर्वेशन वॉल क्लॉक बनाने वाले हैं। तो हमें कस्टमर ने अपनी वरमाला भेजी है, ये उनकी वरमाला है, तो इनको हमें प्रिजर्व करना है। तो इससे पहले मैंने फूलों को ड्राई किया है और उसकी प्रोसेस आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं जिसमें मैंने प्रोसेस बताया है फूलों को कैसे तैयार किया है। उसके बाद जब वो फूल तैयार हो जाते हैं हम एक बेस तैयार करते हैं अपने रेसिन का। इसमें मैं दो मेटलिक शेड्स का यूज़ कर रही हूँ, पिंक और वाइट में। वो चेंज हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप किस कलर में बनाना चाहते हैं। सिर्फ बेस में मैंने ये यूज़ किया है। उसके बाद हमको इसके ऊपर जो हमारे फ्लावर्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल की एक पतली लेयर डालनी है ताकि जो इसकी पेटल्स हैं वो अच्छे से इसमें स्टिक हो सके। तो इस वॉल क्लॉक में मैं पूरा फ्लावर नहीं बल्कि उसकी पेटल्स को यूज़ करने वाली हूँ। इस वरमाला में दो तरह के फूल थे, एक वाइट में और एक रेड में। तो हम इनको एक पैटर्न के अंदर इस क्लॉक में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से सारी एजिस पे वाइट पेटल्स लगा दी है, उसके अंदर रेड पेटल्स लगा दी है। ये कम्प्लीटली कस्टमाइज वॉल क्लॉक है। आप भी अपने हिसाब से अपने ऑर्डर को कस्टमाइज करा सकते हैं। आप जिस तरह की भी डिज़ाइन बनवाना चाहे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस तरह से हमने सर्कल में ही रेड पेटल्स को भी लगा दिया। जब ये इसमें स्टिक हो जाती है तो उसके बाद हमें जो पर्ल का इफ़ेक्ट देना है, जो इनकी वरमाला के पर्ल्स थे, जितना नेसेसरी हो उतने पर्ल्स हमें इसमें ऐड करने हैं। इस तरह से हमने पर्ल्स को उनकी पोजीशन दे दी है। स्टिक होने के बाद हम नेक्स्ट डे इस पर काम करते हैं। नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, हमें क्लॉक रिंग इसमें लगाना है। और क्लॉक रिंग मैं इसमें ब्लैक कलर का लगा रही हूँ जो कि इसको बहुत सुंदर कॉम्प्लीमेंट देगा। और इसके अंदर हमने जो कपल हैं उनका नेम और उनकी वेडिंग डेट भी मेंशन की है। तो जब उसकी हम लेमिनेटिंग शीट उतार देते हैं बहुत ही सुंदर ब्लैक का लुक आया है। और अब इनको हम सील कर देते हैं ताकि ये जो नेम है, क्लॉक रिंग है और पेटल्स है वो अच्छे से कवर हो जाए रेसिन के अंदर। इस तरह से पूरा कवरेज करने के बाद ये हमने बबल्स रिमूव कर दिए। और जो ये अंदर का रिंग है इसमें भी हम कुछ पेटल्स का लुक देंगे। तो इसमें हम आउटर एजिस पे रेड कलर की पेटल्स और इनर एजिस पे वाइट कलर की पेटल्स को लगाएंगे ताकि एक कॉम्बिनेशन बन जाए आउटर लेयर का और इनर लेयर का। वो एक पैटर्न हमने ड्रॉ किया है, डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करता है आप किस तरह से लगाना चाहते हो। तो आप और भी मेरे डिज़ाइन ऑप्शंस मेरी प्रोफाइल में चेक कर सकते हो। इस तरह से हमने सर्कल में ही दोनों पेटल्स को लगा दिया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं बेस को। एयर बबल्स को रिमूव कर देते हैं और सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। सेट हो जाता है और आफ्टर सेंडिंग हम डिमोल्ड कर देते हैं और सेंडिंग कर देते हैं। और उसके बाद हम ये टॉप कोट का काम इसके ऊपर कर रहे हैं। टॉप कोट के बाद इसका ग्लॉस बहुत ही एनहांस हो जाता है और इसके सारे एयर बबल्स रिमूव करने के बाद हमारी क्लॉक ऑलमोस्ट तैयार है। और ये हमारी क्लॉक का फाइनल लुक हमने रेडी किया है। इसमें हमने क्लॉक मशीन और जो उसके हैंड्स हैं वो उसमें इंस्टॉल कर दिए। तो आप देखिए ये क्लॉक कितनी सुंदर लग रही है, ब्लैक वाइट पिंक और ये जो रेड और वाइट फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन है बहुत सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही एलिगेंट वॉल क्लॉक बनी है। 16x16 इसका साइज़ था। आप भी इस तरह के ऑर्डर हमसे कस्टमाइज़ करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।